अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में आपने समाअत किया हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हो की शहादत और दिगर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के शहादत के बारे में। और आज की वीडियो में आप समाअत करने वाले हैं कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह जंग उहद में जख्मी हो जाते हैं और सहाबा अपनी जानें कुर्बान करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। प्यारे दोस्तों, जंग उहद में घमसान की लड़ाई हो रही थी और सहाबा बहादुरी के साथ लड़ रहे थे। और इसी परेशानी के आलम में जबकि बिखरे हुए मुसलमान अभी रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा भी नहीं हुए थे कि अब्दुल्ला बिन कमिया, जो कुरैश के बहादुरों में बहुत ही नामूर था, उसने नागहां हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। एकदम बिजली की तरह सफों को चीरता हुआ आया और हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातिलाना हमला कर दिया। जालिम ने पूरी ताकत के साथ आपके चेहरे अनवर पर तलवार मारी, जिससे खुद की दो कड़ियां रुखे अनवर में चुभ गई। एक दूसरे काफिर ने आपके चेहरे अकदस पर ऐसा पत्थर मारा कि आपके दो दंदान मुबारक शहीद और नीचे के मुकद्दस होंठ जख्मी हो गया। अल्लाह अकबर। इसी हालत में उबैया बिन खल्फ मलऊन एक घोड़े पर सवार होकर आपको शहीद कर देने की नीयत से आगे बढ़ा। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक जानिसार सहाबी हजरत हारिस बिन सिम्मा रजी अल्लाह ताला अन्हो से एक छोटा सा नेजा लेकर उबैया बिन खल्फ की गर्दन पर मारा, जिससे वो तिलमिला गया। गर्दन पर बहुत मामूली जख्म आया और वो भाग निकला, मगर अपने लश्कर में जाकर अपनी गर्दन के जख्म के बारे में लोगों से अपनी तकलीफें निशानी जाहिर करने लगा और बेपनाह नाकाबिले बर्दाश्त दर्द की शिकायत करने लगा। उस पर उसके साथियों ने कहा कि ये तो मामूली खराश है, तुम इस कदर परेशान क्यों हो रहे हो? उसने कहा कि तुम लोग नहीं जानते कि एक मर्तबा मुझसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं तुमको कत्ल करूंगा, इसलिए ये तो बहरहाल जख्म है। मेरा तो ये एतकाद है कि अगर वो मेरे ऊपर थूक देते तो भी मैं समझ लेता कि मेरी मौत यकीनी है। अल्लाह अकबर। इसका वाकया ये है कि उबैया बिन खल्फ ने मक्का में एक घोड़ा पाला था, जिसका नाम उसने ऊद रखा था, और वो रोजाना उसको चराता था और लोगों से कहता फिरता था कि मैं इसी घोड़े पर सवार होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करूंगा। अल्लाहु अकबर। जब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी खबर हुई तो आपने फरमाया कि इंशाअल्लाह तबारक व ताला मैं उबैया बिन खल्फ को कत्ल करूंगा। चुनांचे उबैया बिन खल्फ जंगे उहद में आया था जो ये वाकया पेश आया। उबैया बिन खल्फ नेजा के जख्म से बेकरार होकर रास्ता भर तड़पता और बिलबिलाता रहा, यहाँ तक के जंगे उहद से वापस लौटते हुए मकामे शरीफ में मर गया। इसी तरह बिन कबिया मलऊन, जिसने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पर तलवार चला दी थी, एक पहाड़ी बकरे को खुदाबंद कहारो जब्बार ने उस पर मुसल्लत फरमा दिया और उसने उसको सींग मार मार कर छलनी बना डाला और पहाड़ की बुलंदी से नीचे गिरा दिया, जिससे उसकी लाश टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गए। अल्लाह अकबर। जब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए तो चारों तरफ से कुफार ने आप पर तीर तलवार का वार शुरू कर दिया और कुफार का बेपनाह हुजूम आपके हर चार तरफ से हमला करने लगा, जिससे आप कुफार के नरगे में महसूर होने लगे। ये मंजर देखकर जानिसार सहाबा का जोशे जान निसारी से खून खोलने लगा और वह अपना सर हथेली पर रख करके आपको बचाने के लिए इस जंग की आग में कूद पड़े और आपके इर्द गिर्द एक हल्का बना लिया। हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु झुक कर आपके लिए ढाल बन गए और चारों तरफ से जो तलवारें बरस रही थी और उनको अपनी पुश्त पर लेते रहे पर आप तक किसी तलवार या नेजे की मार को पहुंचने ही नहीं देते थे। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु की जानिसारी का यह आलम था कि वो कुफार की तलवारों के वार को अपने हाथ पर रोकते थे, यहाँ तक कि उनका एक हाथ कटकर शिल हो गया। अल्लाह अकबर। और उनके बदन पर 35 या 39 जख्म लगे। गर्ज जानिसार सहाबा ने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में अपनी जानों की परवाह नहीं की और ऐसी बहादुरी और जाबाजी से जंग करते रहे कि तारीख़ इस्लाम में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो निशानाबाजी में मशहूर थे। उन्होंने इस मौके पर इस कदर तीर बरसाए कि कमानें टूट गईं। उन्होंने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पीठ
के पीछे बिठा लिया था ताकि दुश्मनों के तीर या तलवार का कोई वार आप पर ना आ सके। कभी कभी आप दुश्मनों की फौज को देखने के लिए गर्दन उठाते तो हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप गर्दन ना उठाएं, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मनों का कोई तीर आपको लग जाए। या रसूल अल्लाह, आप मेरी पीठ के पीछे ही रहें, मेरा सीना आपके लिए ढाल बना हुआ है। अल्लाहु अकबर। हजरत कतादा बिन नुमान अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को बचाने के लिए अपना चेहरा दुश्मनों के सामने किए हुए थे, नागहां काफिरों का एक तीर उनकी आंख में लगा और आंख बहकर उनके रुखसार पर आ गई। अल्लाहु अकबर। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उनकी आंख को उठाकर आंख के हलका में रख दिया और यूं दुआ फरमाई कि या अल्लाह, कतादा की आंख को बचा ले, जिसने तेरे रसूल के चेहरे को बचाया है। मशहूर है कि उनकी वो आंख दूसरे आंख से ज्यादा रोशन और खूबसूरत हो गई। सुभान अल्लाह। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु भी तीर अंदाजी में इंतहाई बाकमाल थे। ये भी हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाफात में जल्दी जल्दी तीर चलाते थे और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने दस्ते मुबारक से तीर उठा उठा कर उनको देते थे और फरमाते थे कि ऐ साद, तीर बरसाते जाओ, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। जालिम कुफार इंतहाई बेदर्दी के साथ हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीर बरसा रहे थे, मगर उस वक्त भी जुबान मुबारक पर यह दुआ थी कि अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, वो मुझे जानते नहीं है। अल्लाहु अकबर। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दंदाने मुबारक के सदमा और चेहरे अनवर के जख्मों से निढाल हो रहे थे। इस हालत में आप उन गढ़ों में से एक गढ़े में गिर पड़े जो अबू आमिर फासिक ने जा बजा खोद कर उनको छुपा दिया था ताकि मुसलमान ला इल्मी में उन गढ़ों के अंदर गिर पड़े। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका दस्ते मुबारक पकड़ा और हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको उठाया। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद लोहे की टोपी की कड़ी का एक हल्का जो चेहरे अनवर में चुभ गया था अपने दांतों से पकड़कर जोर के साथ खींच कर निकाला कि एक दांत टूट कर जमीन पे गिर पड़ा। फिर दूसरा हल्का जो दांतों से पकड़कर खींचा तो दूसरा दांत भी टूट गया। चेहरे अनवर से जो खून बहा उसको हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु के वारिद हजरत मालिक बिन सनान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जोश अकीदत से चूस चूस कर पी लिया और एक कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं दिया। अल्लाहु अकबर। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मालिक बिन सनान, क्या तूने मेरा खून पी डाला है? अर्ज किया, जी हुजूर, मैंने पी लिया है। अल्लाहु अकबर। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरा खून पी लिया है जहन्नम की क्या मजाल है कि उसको छू सके। अल्लाहु अकबर। इस हालत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के साथ पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ गए जहां कुफार के लिए पहुंचना दुश्वार था। अबू सुफियान ने देख लिया और फौज लेकर वो भी पहाड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे जानिसार सहाबा ने काफिरों पर इस जोर से पत्थर बरसाया कि अबू सुफियान उसकी ताब ना ला सका और पहाड़ से उतर गया। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ पहाड़ की एक घाटी में तशरीफ ले गए थे और चेहरे अनवर से खून बह रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने ढाल में पानी भर भर कर ला रहे थे और हजरत खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने हाथों से खून धो रही थी मगर खून बंद नहीं हो रहा था। अल्लाहु अकबर। बिला आखिर खजूर की चटाई का एक टुकड़ा जलाया और उसकी दाख जख्म पर रख दी तो खून फौरन ही थम गया।